चलिए अभी प्रोडक्ट बनाने वाली रिएक्शंस जो थी ना, इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में वन इक्विवेलेंट ऑफ एच बी आ रहे हैं, तो क्या करना है आपको, इतना सिंपल मार्क वन कॉम्पिटिशन यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ अंदर वाले कार्बन पर बी आर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो इसमें टर्मिनल अल्काइन थी, इसके ऊपर लिक्विड ब्रोमीन, तो लिक्विड ब्रोमीन में क्या हो जाता है, हम बोलते हैं एडिशन जो होता है वो अल्काइन पर कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से बन जाएगा टेट्रा ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, दिस इज एन इंटरनल अल्काइन BH3 H2O2 और OH निगेटिव, इसका हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन किया, तो इंटरनल अल्काइन के हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, दैट इज कीटोन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद फोर्थ वाले में फिर से कौन सी चीज है, हमने बोला इट इज इंटरनल अल्काइन का हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन है, तो क्या बनता है, इसमें भी कीटोन, तो यहाँ भी कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है ना। बट इसमें ध्यान में ये रखना है कि इस कार्बन पर बी आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बेंजीन से रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, और इस कार्बन पर ये भी बी आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाद में ओ एच आएगा, तो टॉटोमराइजेशन पर कीटोन इस कार्बन पर बनेगा इसके बजाय, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। फिर इसी अल्काइन के ऊपर ब्रोमीन इन CCl4 है, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो जाएगा एक बार, क्योंकि ब्रोमीन इन CCl4 रिएक्शन एक बार रुक जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्स वाला जो कंपाउंड है, इसमें एल्कीन अल्काइन दोनों हैं, हाइड्रोजन विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट दिया है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलते हैं जो लेंडर्स कैटलिस्ट होता है, इससे हाइड्रोजनेशन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर तो हो जाता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर नहीं होता, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ ना क्या हो जाएगा, दैट इज दैट सिन हाइड्रोजनेशन हो जाता है, सी डबल बॉन्ड सी विल बी अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ये सी डबल बॉन्ड सी अनअफेक्टेड है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी पर सिन एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। फिर सेवन वाले में अल्काइन है, इस पर फर्स्ट स्टेप में फिर से वही हाइड्रोजन विद लिंडलर्स कैटलिस्ट है, तो इससे क्या बन जाएगा, दैट इज दिस वाली अल्कीन, फिर ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, कंपाउंड बन जाएंगे ना, जो क्या रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी कायरल कार्बन कंटेनिंग। स्टीरो केमिस्ट्री तो बहुत सारे रिएक्शंस में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हम बोलते हैं ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो जाता है, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन का सिन एडिशन, सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन का एंटी एडिशन है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले रिएक्शन जो, उसमें क्या है, एच बी आर का एडिशन Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में वन इक्विवेलेंट स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर मार्कोवानी को एडिशन है ना, एच बी आर दो बार जोड़ेगा, कौन सी चीज हम बोलते हैं कि वेनाइलिक हेलाइड बनेगा फर्स्ट स्टेप में, वेनाइलिक हेलाइड के ऊपर कौन सी चीज हमने बोल रखी है, तो हमने बोला था कि वेनाइलिक हेलाइड पर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के टाइम पर ओरिएंटेशन इज गवर्न बाय रेजोनेंस, इसलिए दूसरा बी आर वहीं आएगा जहाँ पहले बी आर गया था, और एच कहाँ आ जाएगा जहाँ पहले एच गया था, है ना। रिएक्टिविटी जरूर इसकी कम होगी है ना, बिकॉज रिएक्टिविटी इज गवर्न बाय माइनस आई, ठीक है। अब इसके बाद फिर नाइन्थ वाला है, इसमें भी ना क्या दिया है, दैट इज एन इंटरनल अल्काइन, लिथियम एंड अमोनिया दिया है, तो पहले क्या हो जाएगा, उससे इट इज ट्रांस अल्कीन बन जाएगी, और उस पर ब्रोमीन का एंटी एडिशन, फिर से दोनों कार्बन कैसे हो रहे हैं, दैट इज कायरल हो रहे हैं, और अल्कीन कैसे थे, अनसिमेट्रिकल, तो दोनों कार्बन कायरल होंगे, तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पर स्टीरोइसोमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ना। फिर टेंथ वाले में वापस हाइड्रोजन विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम CaCO3 दिया है, लिंडर्स कैटलिस्ट ये भी, तो कौन सी चीज हो जाएगी इसमें भी, हम बोलेंगे पहले सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी में बदल जाएगा, फिर ब्रोमीन दिया है, तो ब्रोमीन अब एक्सेस में मानना पड़ेगा, वन इक्विवेलेंट नहीं है, तो जो दो डबल बॉन्ड्स बने दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एडिशन हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाता है किसका, यहाँ पर दैट इज ऑफ द टेट्रा ब्रोमाइड, ठीक है। फिर इलेवेंथ वाले में क्या है, टर्मिनल अल्काइन NaNH2 इन अमोनिया इससे रिएक्शन कर रही, तो क्या बन जाएगा, इससे टर्मिनल अल्काइन का सोडियम सॉल्ट बन जाता है फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद क्या है, फिर जो कार्बन आयन है वो इस 1 डिग्री हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा, तो क्या बन जाएगा, इट इज अल्काइन जिसमें दोनों तरफ आजू बाजू आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए, है ना। छोटे अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाने वाली मेथड है ये, है ना। इसके बाद फिर क्या है, ये एक इंटरनल अल्काइन है जिसके आजू बाजू दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे, इसमें फर्स्ट स्टेप में बोला है ब्रोमीन वन इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का एंटी एडिशन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी में बदल जाएगा, फिर क्लोरीन वन इक्विवेलेंट, तो सी डबल बॉन्ड सी पर क्लोरीन की फिर से रिएक्शन हो जाएगी, तो दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन भी आ जाएगा, समझ आ गई बात ये, ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, कौन सी है, ये ब्यूट वन आइन है, AgNO3 NH4OH के, दैट इज
टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 NH4OH के साथ कौन सी चीज बनाता है? तो हम बोलेंगे इट इज सॉल्ट बना लेता है, जो क्या रहेगा, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ना, विच इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन है। फिर 14 वाले क्वेश्चन में Cu2Cl2NH4OH, इससे फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन बन जाता है। और कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन का जब एसिटिक एसिड और एयर के साथ हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव कपलिंग। तो ये कॉपर हटकर दो ऐसे ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद 15 को लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एसिटाइलिन तो Cu2Cl2NH4Cl है, तो ये रिएक्शन कौन सी थी, दैट वाज लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन है ना। तो इसमें ना क्या बन गया, यहाँ पर तुम बोलेंगे घर फॉर्मेशन हो गया इसका, कौन सी वाली चीज, इट इज विनाइल एसिटाइलिन का है ना। एसिटाइलिन यदि एक्सेस में होती तो उसको अपन कहाँ तक भी मान सकते थे, डायविनाइल एसिटाइलिन तक भी। ठीक है, अब इसको यहाँ तक हमने मान लिया, अब क्या है H2PDBSO4, तो उससे क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे उससे 1,3-butadiene का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और एसिटाइलिन यदि एक्सेस में होती है, ठीक है, तो कौन सी चीज है, या एक्सेस में मान के भी करना हो, जैसे अभी स्पेसिफाई नहीं तो फिर एक्सेस में अपन मान सकते हैं, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, डायविनाइल एसिटाइलिन का फॉर्मेशन होगा। और डायविनाइल एसिटाइलिन के बनने के बाद H2PDBSO4 करेंगे तो यहाँ कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे जो कार्बन नंबर 3 और 4 है उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और जो टर्मिनल है वहाँ पे दोनों विनाइल रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ये वो बन जाएगा ना, इट इज हेक्साट्राइईन बन जाएगा। समझ आ गई बात, ये है ना, पांच चीज हो जाएगी इधर, हम बोलेंगे इट इज हेक्साट्राइईन का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। क्लियर होगी बात अच्छे से ये। ठीक है, हेक्साट्राइईन में बस एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये एडिशन कैसा होता है, दैट इज स्पिन एडिशन होता है ना। हेक्साट्राइईन में स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से ना, मतलब इसके बजाय दिस इज बेटर टू राइट, ये क्लियर है बात, ये है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दैट इज स्पिन एडिशन होता है, तो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड आ जाएंगे। ठीक है, और यदि हम रिएक्शन इसको डाइमर मान के करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी विल बी दैट 1,3-butadiene। क्लियर है अच्छे से, है ना, एक बार ये सारे एनालाइज हो जाएंगे अच्छे से, इनको देख लीजिए आप, फिर आगे के क्वेश्चन और जो मिक्स वाले रहेंगे और अच्छे से बन पाएंगे।